अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जावेद। आप देख रहे हैं ताहिर टीवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाली है कि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू बाईपास योर स्मार्टफोन एंड योर मोबाइल फ़ोन, कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह बाईपास कर सकते हैं। बाईपास मीन कि आपको बता दूं कि बाईपास करने की ज़रूरत क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक या पिन कोड या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने मोबाइल को किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, उस मोबाइल को मार्केट ले जाते हैं। मार्केट ले जाकर दुकानदार को कहते हैं कि हमारा मोबाइल का हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो सिंपली क्या करता है कि आपके मोबाइल को जस्ट ऑफ ऑल बाईपास कर देता है। बाईपास करके आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है, आपको पकड़ा देता है, आपसे कुछ ना कुछ पैसे ले लेता है जो उसकी मेहनत होती है। क्यों ना दोस्तों आप वो पैसे खुद बचाएं आप घर बैठे। अगर आपके मोबाइल में ऐसा कोई फॉल्ट बन जाता है तो आप अपने मोबाइल को किस तरह बाईपास कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूलने पर किस तरह अनलॉक कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक बात जरूर करें, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करते हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक शुरू कर लें। दोस्तों इसका फायदा आपको ये होगा कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपने अपने मोबाइल फोन का जो लॉक लग जाता है या पैटर्न लॉक आप किस तरह ओपन कर सकते हैं। ये मैं अपने मोबाइल से कैमरा ओपन करके दूसरे मोबाइल का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल को पासवर्ड लगा है लेकिन ये खुलता नहीं, ठीक है। मसलन के आपको दिखाने के लिए अब आपने इस मोबाइल को सिंपली पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। जब आप इस पावर को पावर ऑफ, इस मोबाइल को पावर ऑफ कर देंगे तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस मसलन के इस ट्रिक को आपने, इस वीडियो को आपने फॉलो करते जाना है। इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकेंगे। अब ये हमारा मोबाइल अनलॉक हो गया है। आपने सिंपली अपने मोबाइल का जो पावर बटन है उसको और जो वॉल्यूम अप वाला बटन है इन दोनों को एक ही टाइम पर आपने पुश करना है। पुश के मेन के मसलन अपने मोबाइल को आपने दबाना है, अपने जो दोनों बटन है, एक पावर का बटन और एक वॉल्यूम अप का बटन, आपने इन दोनों बटनों को दबाना है एक ही टाइम पर, दबाए रखना है, ठीक है। आपके पास कुछ डिफरेंट डैशबोर्ड आपके मोबाइल का, कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, यही ट्रिक आपने यूज़ करना है, आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने इस मोबाइल का जो इंटरनल जो इसकी सेटिंग्स होगी वो मसलन के डिवेलपर की तरफ से वो ओपन हो गई है, ये आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं आपको जूम करके दिखा सकूं कैमरे से कि ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये देखिए स्विप फॉर्मेट एंड डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट, आपने इस पर जाकर ये देखिए वॉल्यूम अप से आपने इस तरह इसको नीचे और वॉल्यूम डाउन से आपने इसको नीचे अप करना है। मसलन कि जब आपने इसको सिलेक्ट करना है तो आपने अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन है इसको दबाना है, दबाकर आपने वॉल्यूम डाउन के बटन से आकर ये जो नीचे यस वाला बटन है ये देखिए डिलीट आर रेस, ये देखिए नीचे यूजर डाटा, आपने यहाँ पर आपका आकर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका मोबाइल बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग पर जाने के लिए तैयार है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये ट्रिक ये अपनी आपके मोबाइल को रीसेट करके आपके मोबाइल को डिफॉल्ट सेटिंग पर ले जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आपने सिंपली करना ये है कि अपने मोबाइल को यहीं से रिबूट कर देना है, पावर के बटन को क्लिक करके ये आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस वीडियो को वॉच करें कि आपका मोबाइल ऑन हो रहा है, ठीक है। आगे आपने अपने मोबाइल को कैसे ओपन करना है, ये वेलकम आपके मोबाइल का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो गया है, मेन्यू ओपन हो गया है। अब आपने ये सिंपली क्लिक करके ये टोटल प्रोसीजर जो है, ये देखिए कैमरा हमने ओपन दोबारा किया, सॉरी, ये देखिए आपने लैंग्वेज सेट करनी है। लैंग्वेज सेट करके आपने नीचे एरो वाले निशान पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके ये देखिए ये आपको कहेगा कि सिम आपने डाली है, आपने स्किप कर देना है, आपने यहाँ से वाईफाई को भी आपने स्किप कर देना है, ठीक है दोस्तों।
अब आपने यहाँ पर आपको कहेगा कि आपके मोबाइल की लोकेशन आपने सेट कर देनी है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल का जो टाइम है वो सेट कर देना। गूगल जो आपको गूगल की तरफ से परमिशन आएगी वो भी आपने क्लिक करके आपने इस तरह एरो के निशान पर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल का जो डैशबोर्ड होगा वो बिल्कुल आपके ये सामने है दोस्तों, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल अनलॉक करके दिखाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।